नहीं गाइस यार टाइम वेस्ट नहीं करेगा फिलहाल, एकदम जोश में हूँ थोड़ा, ठीक है समझ लो ना। अभी सुबह के 8 बजे कुछ 8:30 बजे और मैंने कैमरा लेकर प्रेस रिकॉर्ड करना चालू किया। वन शॉट में वन टेक में जो भी देखा फटाफट करने का बोलने का बस जोश भरपूर आ रहा है, बट हिम्मत पता नहीं कैसे होगी कि नहीं होगी। मेरी चित्कार उड़ती है और उधर उधर की COVID-19 की स्टोरी है। ये लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, 4,000 के ऊपर आज की डेट में महाराष्ट्र में केसेस जा चुके हैं और राजस्थान में भी कुछ 2,000-1,500 के आसपास है। बट ठीक है, बात ये है मेरी स्टोरी के ऊपर मैं स्टार्ट करना था कि मेरी कितनी गंदी लगी और मैं उससे बच के कैसे निकला और मैं मुंबई से इतने कैसे पहुँचा। मैं 20 मार्च को यहाँ से निकला था और चित्तौड़गढ़ के लिए, चित्तौड़गढ़ पहुँचा, चित्तौड़गढ़ में मौत और चित्तौड़गढ़ में सब कुछ बंद, लाइक सब कुछ लिटरली बंद था। और उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज़ बोली कि 22 मार्च को घर पे बैठना है आपको, जहाँ भी हो बैठना है, कहीं घूमना नहीं है, सोशल डिस्टेंस रखना है। तो ये चीज़ मैंने प्लान रखी थी कि मैं निकल चुका हूँ यार 22 मार्च को, तो भाई मैं इधर भी रहूँगा सेफ रहूँगा। तो मैंने उस हॉस्टल में बात की थी इसके लिए कि भाई मैं आपके यहाँ पर आने वाला हूँ, चलेगा ना? बोलना हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, सब सेफ है। तो अपने को वैसे भी घूमने का शौक नहीं है, बट मेरे को पीस चाहिए था, तो मैं पीस के हिसाब से निकला था बाहर पहले से। तो बस मुझे 20 इवनिंग की ट्रेन में बैठा, तो मुझे मालूम पड़ा शाम के 8 बजे तक कि 12 बजे सारी ट्रेनें बजे। मेरा ओ शूट, मतलब मेरा सीट लग गया, मतलब मेरी लगनी तो चालू हो चुकी है। पहले का लगता है कि मैं निकला ही मुंबई से, चुपचाप बैठा रहा, बैठना चाहिए ठीक है, कुर्सी को चुन लगे कैसे करतेगा, वीडियो बंद करना है कर सकते हो, बट आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, पसंद से बोल रहा हूँ, इतना मज़ा आया ना और ये सब ये वन टेक में है। तो हाँ, तो ठीक है, 21st को मैं चित्तौड़गढ़ मॉर्निंग को पहुँचा हूँ। सुबह सुबह एक एक्टिवा वाले को कॉल किया, भाई मेरे को रेंट में चाहिए एक्टिवा, क्या दो गई थी, रोक गए, हाँ ओके सर ले जाओ, फिर अम्मा घुमाओ, मैं बोला ठीक है। तो घूमने के लिए चालू चीज़ें बोले चालू नहीं है, अभी बोला तो घूम गया करूँ वापस। एक फोर्ट है एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है चित्तौड़गढ़ में, चलिए यार रिस्क ले लेते हैं, देखते हैं शायद देखने मिल जाए। तो मैं भाई पहुँच गया 7:30 बजे तक वहाँ पर, और वहाँ पर बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे एंट्री मिल जाएगी टोली देखने के लिए। तो वो लोग बोलते हैं कि आपको मालूम पड़ा इंडिया बंद है, तो सारे फोर्ट्स बंद हैं, बोला यार तो आप अंदर जाने देते, बाहर से देखने देते इतने दूर से आए, तो क्राउड तो है नहीं, सिंपल था। मैं तो उसके था कि क्राउड भी नहीं, प्लीज है मेरे को भाई शांति की जगह चाहिए। तो नहीं चल ठीक है, तो उसने बातों बातों में बोला कि भाई ये फोर्ट की 6 एंट्री है, और गांव वाले को जान करता। तो मैं बोला ये इसकी अलग से कोई एंट्री तो होगी, तो मैं घूम के गया और घूम के मैं कोई गांव के रास्ते से मैं फोर्ट के अंदर घुस गया। बैरिकेड आया, बैरिकेड मैंने क्रॉस किया, उस बैरिकेड के बारे में पता नहीं, बिकॉज मैं तो स्पीड में भी निकला और प्लस मैं ध्यान नहीं रहता, बोला ना इंडियन स्टाइल जो भी है जो समझना समझ सकते, बट हालांकि मैं क्रॉस हो गया। तो मैं एक बैरिकेड वापस एक पॉइंट पर आया जहाँ पर एक्टिव और क्या आगे नहीं जाने की, तो मैंने उतरा वहाँ से एंड जस्ट वॉकिंग चल गया। तो पहुँच रहे मैंने बोला यार इतनी फटक कहीं ना मिली, मैं बोला अरे तो मुझे काट लेंगे, बिकॉज कोई इंसान नहीं यार फट के जा रहे भाई, मैं घुस सकता ना। फिर मैंने फिर इतना दूर आया यार, मैं कोई शिव जी की मूर्ति देखनी थी ना, शिव दिखाना वो देखने मिलता ठीक है। फिर हिम्मत कर गया, उसने कुछ नहीं किया, अंदर गया तो उधर एक आदमी ने उनको पकड़ लिया, वो था सिक्योरिटी गार्ड, बोला मैं यहाँ से करो यार बातों बातों में लाया, मैं से आया हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, ये वो सब बताया। ठीक है, ये मंदिर है बहुत फेमस है, देख लो उसके नीचे वो लेक है वो देख लो, मतलब ठीक है इतना भी बहुत है दिखने में ज़्यादा। वो चीज़ देखा, देखने के बाद मैंने देखा वहाँ पे शिवलिंग है और वहाँ के पंडित जी मुझे लेके गए, तो उन्होंने शिवलिंग दिखाया, उन्होंने बोला कि चल चलते चले जाओ सब देख लो कि मुझे देखना है, फोटो वोट में चल गया चलेगा, फोटो वोट घूम लिया वो एकदम, मैं वहाँ देख लिया, मैं इतना खुश हुआ क्या हो गया, दिन तो बस चमक गया, शिव जी की फीलिंग देख ली है मैंने, मैंने इतनी मंदिर देख ली है, मंदिर पूजारी होती है, पूजारी की सिंपल से बातें मैं इतना खुश। आपके चित्तौड़गढ़ फोर्ट में देख लिया, वहाँ एक पोहा खाया भाई, वो पोहा इतना सुंदर था, सॉरी स्वादिष्ट था भाई, कसम से बोला
₹10 का पोहा विद जलेबी ₹20 होता है। मैं पोहा लेता हूँ, ₹10 जलेबी डालता है, ले जाए नॉर्मली फी पर। आप लोग सोच रहे हो कि इतना बड़ा बीमारी फैल रहा है तुम्हें, तुम्हें पोहा खाने का सोचा, अरे खाओ खाओ, लिमिटेड अनलिमिटेड खा, मतलब मज़ा आ गया। पोहा खाया और फिर वहाँ से और वैसे निकला होते हो देखो कि मैं देखा रो वहाँ बीमार है। उदयपुर के लिए ट्रेनें हैं तो 2 बजे के, 3 घंटा लगा दूँगा। तो मैंने सेकेंड ऑप्शन सोचा कि चल भाई बस से जाते हैं, चाहे बस वस बस पकड़ने के लिए गया। तो बस वाले देखा कि भाई बोल रहे कि 1.5-2 घंटे से बस आई नहीं, अब पता नहीं बस आएगी कि नहीं आएगी, क्या सीन है पता नहीं। और उस टाइम पर कॉल कर देगी चित्तौड़ के पास बिल आ रहा है, कोई झगड़ा यहाँ पे 40 केस हो चुके हैं। भगवान लेके जाओ उदयपुर, मेरे को सीट नहीं बैठा दे, मैं कहीं नहीं जा रहा, डायरेक्ट उदयपुर बैठो 24-25 तक बात ठीक है। अब उदय लकी उस टाइम पे फिर आके मैं बस आती हूँ, बस में बैठ गया। मैं उधर ही नर्स जो था वॉर बॉय उससे बात कर रहा था, तो उसने मुझे स्टोरी बताई ठीक है। सुबह जब ट्रैवल करो तो आपके घर पर सर देख लूँगा। हाँ बस जैसे ही पहुँचा हॉस्टल, पहुँचा हॉस्टल में भाई बोलते हैं कि अब पहले बंदे बाकी कोई नहीं है। बोला यार स्टे है, बोला स्टे है सर, कोई इशू नहीं उसका ठीक है। मैं गया चेकअप करा पहले, क्योंकि सिंपल सा लोग ऐसे लेगा नहीं, कोई चेकअप करने का। चेकअप में मेरे को पूछा कहाँ से ट्रैवल करा, मैंने बोला महाराष्ट्र से। अब धूप हो रही थी 2:30 बजे थी, मेरे को लू हो गई थी, मेरे को लग रहा था। तो मैं बोला भाई थोड़ा सर दुख रहे डॉक्टर को, तो और कुछ नहीं है, बीमारी वीमारी नहीं है। तो उन्होंने पर्ची पे 14 डेज का आइसोलेशन लिख दिया, बिकॉज मैं महाराष्ट्र से ट्रैवल कर रहा हूँ और कुछ नहीं, और सब फीवर ही नॉर्मल सब कुछ लिख दिया। तो मैं लेके गया हॉस्टल में, बोला मॉम उन्होंने बोला है कि मतलब मेरे को कुछ है नहीं, बट एज महाराष्ट्र से ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए बोला। उसने मेरी बुकिंग कैंसिल कर दी, उसको बुकिंग कैंसिल करने से बहाना चाहिए था, बिकॉज मैं अकेला बंदा और अगर मैं स्टे करता तो पूरा लोगों को ऑन करना पड़ता। मैंने हॉस्टल में ऐसी चीज़ें कंप्लेन दी थी, हॉस्टल से निकल नहीं गया। मैं वापस से हॉस्टल गया, तो यार आपने क्या कर दिए, वहाँ से कुछ 4 किलोमीटर वॉक है, 2 किलोमीटर वॉक है कुछ वॉक पे, या एग्जैक्ट सिटी पैलेस के इधर ही है उनका हॉस्टल को। तो मैंने लोगों को बोला कि उन्होंने नीचे लिख के गया कि आपको हॉस्टल स्टे दे सकते हो जो भी है। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया हॉस्टल मंत्रा में चले जाओ, कि वहाँ से फॉरनर लोग थोड़े गए थे चेकअप के लिए, तो उनको पता लगा। तो हॉस्टल मंत्रा ने मेरे को स्टे दिया। लोकेशन ओ माय गॉड, मतलब भाई अपना महीना निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता, इतनी मस्त सुंदर जगह। मैं बोला जैसे मुझे कैंसिल कर दे भाई, मैं तो यहाँ पे ही स्टे कर रहा हूँ 29 तक, यहाँ से ही डायरेक्ट जाऊँगा। बट फिर एज अनफॉर्चुनेटली मेरे को बंदे ने बोला कि लॉकडाउन शायद से बढ़ने लगा, जैसे मैंने सब कुछ बंद हो चुका है, तो बेटर है तो मुंबई निकल। तो मैंने भी इसी चीज़ सोचा कि ठीक है यार 22 को अभी ना है, 23 को मैं फ्लाइट करके चला जाता हूँ मुंबई। सो 21-22 में मम्मी को मैंने फ्लाइट बुक कर दी कि नहीं चलो ठीक है मुंबई जाना है। 23 की थी फ्लाइट, तो लिटरली पता नहीं क्या हुआ 22 को नाइट को 10 बजे से लगा, तो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, बिकॉज सारे बॉर्डर सील कर दिए थे। तब तक मेरे को वहाँ बड़ा बॉर्डर सील हो रहे, तो गुजरात का बॉर्डर मैंने सुना था उसमें तो सील हो गया, तो मतलब कोई ऑप्शन नहीं था बस से जाने का। तो ट्रेनें कैंसिल थी 24 तक ट्रेनें बुकिंग नहीं दिखा रहा था। एंड एक्चुअली मेरे को मॉर्निंग को मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, मैंने उसके थ्रू किया था, तो उसको कॉल आया कि फ्लाइट कैंसिल हुआ है सुबह के 10 बजे, मेरी मीटिंग खुली है 10 टाइम, उसने बोला कि मैं फ्लाइट कैंसिल, मुझे मीट तो मतलब मारनी है पक्का, मतलब मेरी मरनी है ये पक्का था, मुझे ये लगा ही था। बट ऐसे मरेगी नहीं पता था यार, कि मतलब स्टार्टिंग से देखो पहले लोकेशन वन आइसोलेशन वाला सीन डाल देते हैं, फिर ये चीज़ अरे भाई मतलब ढबा ढब ढबा ढब मेरी लगे पड़ी है, मैं अकेला बनना हूँ, मेरे को निकलना है। अब ये चीज़ मालूम पड़ी है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है, लॉकडाउन स्ट्रिक्ट है, 31 तक लॉकडाउन कन्फर्म बोल दिया, तो लॉकडाउन बोल जाना था। 31 तक लॉकडाउन उसी दिन बोले 23 को कि लॉकडाउन 31 तक रहेगा, 24 से फ्लाइट्स बंद होने वाली है, ये चीज़ उस टाइम पर रिव्यू नहीं की थी, बट हाँ होने वाली थी। 23 को 11 बजे मेरे को सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन में कोई फ्लाइट मिल जाए, तो मेरे को बस सारा देखी 2 बजे की, उसके बाद 1-2 फ्लाइट एयर इंडिया की थी सब। तो मैंने इवन चांस लेके मैं सोचा चल यार जाते कैसे भी करके, अगर फ्लाइट मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। 25 किलोमीटर दूर था सिटी पैलेस से, अगर आप देखें तो उदयपुर 25 किलोमीटर दूर है। तो मैंने रिस्क लिया, मैंने बोला टिकट के पास सिटी क्रॉस निकला, सिटी से बाहर एयरपोर्ट सिटी पार किया, तो मेरे को एंट्री नहीं मिलेगा, तो एक तो रिस्क था प्लस बस अब निकलना था, क्योंकि टेंशन बढ़ रही थी ना
ठीक है, हिम्मत की निकली, निकला मैं और वहाँ से निकलते मैंने रिक्शा वाले को बोला, रिक्शा वाले को बोला कि भाई तू 500 रुपये ले ले चलेगा, बट अगर नहीं मिलता तो मुझे प्लीज़ सिटिंग छोड़ देना है जगह पे, एक ही जगह जहाँ पर मुझे स्टे मिलेगा ना, कोई हॉस्टल होटल्स ले नहीं रहा था, हाउस स्टॉप नहीं, हॉस्टलर नहीं, हॉस्टलर तो नहीं, सॉरी हॉस्टल नहीं, कोई हॉस्टल ले नहीं रहा था, तो मैं ठीक है मैं आपको रिटर्न ले आऊँगा 900 रुपये से देना, ठीक है अब रुकोगे जब तक मैं कन्फर्म नहीं बोलता फ्राइडे के लिए। मैं कुछ 12:30 मेरे घर से मैं एयरपोर्ट पहुँचा हूँ, 1 बजे से कुछ 10 मिनट या 5 मिनट कम था, तो 2:25 या 2:20 की फ्लाइट थी मेरी उस टाइम पर, एंड मेरे रिश्ता मेरे साथ काउंटर पर मेरा फ्लाइट है पिक अप कर मेरा, हाँ जो फ्लाइट थी वो फ्लाइट ली मैंने, टिकट कराई कार्ड लिया भाई, तो टिकट कर मेरे को घर पहुँचने के लिए अंदर गया मैंने, फिर मैंने बोलता लिस्ट देखा पूरे उदयपुर में उस टाइम पे टोटल 3 फ्लाइट टेक ऑफ ली थी, मतलब मेरे सामने एक इंडिगो की थी जो मुंबई से आ रही थी, गई थी सुबह, एंड उसके बाद ये विस्तारा थी 2 बजे की 2:30 बजे की, और एक थी दिल्ली की 2 फ्लाइट मेरे ख्याल से, तो 4 4-5 मेरे तो मेरी फ्लाइट को गिन के 3 फ्लाइट थी शाम तक की, रात दोपहर से, एंड उससे पहले 2 फ्लाइट थी, 5 फ्लाइट टोटल की थी 23rd को, बाकी सारी फ्लाइट कैंसिल थी, और मेरे को स्पाइसजेट जिस नंबर से कॉल आया था कि सर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, उन्होंने बताया कि 24 तारीख से सर सारी फ्लाइट कैंसिल होने वाली है, डिसीजन ऑफिशियली अब तक आएंगे बट हो जाएगी, तो आप आगे बुकिंग करके मतलब नहीं है यार, ठीक है तो रिफंड प्रोसेस चालू कर दो, क्या मैं बोलो उसकी भी कोई गलती नहीं है, तो यकीनी मेरे को फ्लाइट मिली, मैं फ्लाइट मैं बैठने के टाइम तो चूचने के लोग बात कर रहे थे ना, मुझे इतनी फट रही थी कि मैं फ्लाइट कैंसिल ना कर दें, बोर्डिंग पास ले लिया बट फ्लाइट कैंसिल करने में भाई इनको 2 महीने लगे कर देंगे कैंसिल, यार दिन तो ऐसे ही ख़राब चल रहा है मेरा क्या मालूम कर दे कैंसिल भाई, तो लिटरली जिस टाइम पर फ्लाइट टेक ऑफ हुई है हम जाकर थोड़ी शांति है कि भाई अब मुंबई पहुँच जाऊँ मैं, अब तो घर पहुँच जाऊँ, मुंबई पहुँचा घर आया बिल्डिंग में एंट्री मारते मेरे को ऊपर से सैनिटाइज कर दे हाथ पोछा, घर पे आते पहले मैंने बैग धूप में रखा, पूरा कैमरा वैमरा निकाल के सब बैग धूप में डाला, खुद नहाया, 14 दिन तक घर पे क्वारंटाइन किया, आज 21 अप्रैल है और 20 अप्रैल या 21 अप्रैल है, एंड सुबह के 8 बज रहे हैं, मैं सेफ हूँ, होप फुली जो लोग घर पे हैं सेफ रहे, मेरी दुआ कर लो सेफ रहने के लिए, बिकॉज भाई मैंने चीज़ देखी वहाँ पे लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, हेड्स ऑफ है हॉस्टल हॉस्टल मंत्रा जैसे लोगों के लिए जो लोगों को स्टे दे रहे जिनको स्टे नहीं है, एंड होपफुली क्वारंटाइन ख़त्म हुई ये बात नहीं कोरोना ख़त्म हुई, मेन रीज़न चीज़ एक ही है ये ब्रेक की रोकने का, ये होम स्टे का ये सबका काम बंद कराने का एक ही रीज़न है कि कोरोना खत्म हो, इस टाइम का भी चलो एक बहुत भी है बट ये क्वारंटाइन ख़त्म होना लॉकडाउन ख़त्म होना रीज़न नहीं है, लेकिन कोरोना ख़त्म होना चाहिए उससे ही सेफ रहेंगे, सब कोरोना का केसेस ख़त्म हुआ है पर सीन नहीं है ना भाई कि एक जगह कम हुआ है बट उससे पहले तो बहुत लेवल महाराष्ट्र का लेवल फोन फोन क्रॉस हो चुका है, मतलब सीरियसली ये मतलब ध्यान देने की जगह ये मेरा गलत स्टेप था और मैंने ये चीज़ रिकॉर्ड करके 1 टेक में बनाया है, मैं डायरेक्टली पोस्ट करो लाइक करना, लाइक कर सकते हो देखना है, थैंक यू अगर देखना है, तो रिक्वेस्ट है घर से मत निकलो अभी फिलहाल, इकोनॉमी की बैंड बज रही है, ईगो की बैंड बज रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं सब समझ रहा हूँ बट थोड़ा सोचना पड़ेगा, जय हिंद वंदे मातरम, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, व्हाटसो रीज़न अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना भाई, सच्ची बताओ कसम से बोलो वट की चार हो गई थी ट्रिप में, मैं ये लिटरली वीडियो में नहीं बोल पाया अच्छे से बट ट्राई किया और आगे हर 2-3 दिन में मैं कोई ना कोई वीडियो डालूंगा, वेडी करने की ट्राई करूंगा, जैसे भी हो सका तो मैं चित्तौड़गढ़ का व्लॉग बनाऊंगा, मैंने रिकॉर्ड कसम से किया है पर हिम्मत ही नहीं होती रिकॉर्ड करने का, एडिट करो फिर वो करो, ये भी सीधा मैं से पोस्ट कर रहा हूँ ऐसे यूट्यूब पे, तो
व्हाट्सो ओरिजिनल का वीडियो चला हुआ, तो थैंक यू हम सब हर जवान को सजी उठे, बहुत सारे डॉक्टर को सजी उठे कि स्टेप हेल्प करने के लिए।